ब्रेकअप। क्या है ब्रेकअप? जब एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से अलग होते हैं तो हम उसका नाम ब्रेकअप दे देते हैं। हे गाइस, मैं आकांक्षा सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे होगा तो आप मैनेज कर लेना। एंड ये टॉपिक ऐसा है, मैं इसे बोलना नहीं चाहती थी। मेरी पहली वीडियो ब्रेकअप पे बने ये मतलब कुछ दिनों से कुछ चल रहा था अगल बगल में, जो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो देनी चाहिए, इसी पे से स्टार्ट करनी चाहिए। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, सो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखें। चले स्टार्ट करते हैं। ब्रेकअप, जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है या एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, वो दोनों अलग हो जाते हैं तो हम उसका नाम ब्रेकअप रख देते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ब्रेकअप दो लोगों के बीच होता जरूर है, लेकिन होता किसी एक ही का है। जो सामने वाला बंदा जब आपको वो छोड़ता है तो उसका ब्रेकअप नहीं होता, जिसको वो छोड़ता है एक्चुअली में उसका ब्रेकअप होता है। क्योंकि वो तो किसी और रीजन से, किसी और के लिए या कुछ भी किसी वजह से वो छोड़ता है, जिसमें आगे जाके वो कुछ दिनों में मूव ऑन कर लेगा। लेकिन जिसके साथ ही होता है उसको मूव ऑन करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि किसी के लिए मतलब हम रो रहे हैं, लड़के इतनी स्मोकिंग ड्रिंकिंग नशे में घुस जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। लड़का या लड़की ये सोचते हैं कि उससे तो मुझे छोड़ दिया, अब मुझे उससे अच्छा, उससे बेटर नहीं मिलेगा। देखो भाई, क्यों नहीं मिलेगा? तुमको अपने आप पे विश्वास नहीं है? तुम जो इतने बुरे लगते हो, इतने वाहियात हो कि तुमको कोई पसंद नहीं करेगा, अपने आप पे भरोसा रखो, उससे बेहतर आपको मिलेगा। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कभी आपके सामने एक मैगी का प्लेट आता है, पूरा बनी हुई मैगी टेस्टी से दिख रही है, आप मैगी का पहला बाइट लेते हो, पहला चम्मच उठाते हो, खाते हो, यार अच्छी नहीं है। सामने वाला बैठा है, आप उससे बातें करते करते सारी मैगी खा जाते हो, धीरे 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 सारी मैगी फिनिश हो जाती है। फिर आपकी नजर उस प्लेट पे जाती है जिसमें एक मैगी का टुकड़ा पड़ा रहता है, आप उसको उठा के खाते हो तो वो जितनी मैगी आपने खाई है, वो लास्ट वाला जो टुकड़ा होता है उसका टेस्ट सबसे अल्टीमेट होता है। समझ लो क्या बोल रही हूँ। जरूरी नहीं होता कि जो मुझसे दूर गया है, जो हमसे दूर हुआ है, जो हमसे दूर गया है, वही सबसे बेस्ट था। हो सकता है जिंदगी उससे ज्यादा बेस्ट हमारे लिए कुछ सोच के रखी हो सकता है जिंदगी हमें ये बताना चाहती हो कि आप कुछ आगे करो, अपने आप को प्रूफ करो, बिजनेस करो, कुछ अच्छा करो। मूवीज में भी यही दिखाया जाता है कि जब एक सिंगर कैसे बनता है, जब उसका दिल टूट जाता है तो वो बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है। कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि किसी के चले जाने से हमारी जिंदगी नहीं रुक जाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने एक पोस्ट में पढ़ा है, अक्सर ही पढ़ती हूँ, कि मंजिलें नहीं बदलती, रास्ते बदलते हैं। तो भाई बहन जो भी है, जिसका जिसके साथ भी ये हुआ है, वैसे 90% लोगों के साथ ये होता जरूर है, 90 के 99 ले लो, हर बंदे के साथ ये होता जरूर है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं होता। तो कहने का पूरा सेंस यही है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, उससे लाख गुना बेटर आपको मिल सकता है और आप डिजर्व भी करते हैं। समझ आ रही है? कुछ ढूंढो तो सही, उससे बहुत अच्छा, बहुत बेटर आपके लिए पड़ा है, एक बार आप ढूंढो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरी फर्स्ट वीडियो है, थोड़ी सी नर्वस हूँ और कोई आइडिया नहीं है कि कैसे बोला जाता है। सो थैंक यू। मैं प्रे करूँगी कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। एंड गाइस, माँ बाप के लिए जी, लाइफ बहुत बड़ी है। ये किसी लड़की किसी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी पर बात करने से बेटर है कि अपने मामा पापा के लिए जिया जाए। थैंक यू, बाय बाय।